Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and आपकी preparation भी काफी अच्छे से चल रही होगी. तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. फ्रेंड्स, तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त जॉब की अपडेट जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है चंडीगढ़ JVT टीचर वैकेंसी 2023 के लिए. ऑल इंडिया की वैकेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ के अंडर आता है. मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है. तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रखा गया है, कितने सीट पे वैकेंसी आई है, कैटेगरी वाइज क्या पोस्ट रहने वाला है, सारा कुछ बताने वाली हूँ. साथ ही साथ आपको एग्जाम का जो सिलेबस है, पैटर्न है, इनिशियल इन हैंड सैलरी सब बताऊंगी. तो अगर आप भी इस जॉब रिक्रूटमेंट को लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. तो चलो फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले आपको बता दूं कि चंडीगढ़ JVT प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट आई है. तो आप सोच रहे होंगे कि JVT क्या होता है, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की ये वैकेंसी आई है. टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपका 293 रखा गया, मतलब कि आपको अप्रॉक्स 300 सीट्स पे वैकेंसी आ चुकी है. कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो कैटेगरी वाइज जनरल के लिए 149, ओबीसी के लिए 56, एससी के लिए 59, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 29 सीट्स, ओवरऑल आपका 293 सीट्स के लिए ये वैकेंसी आउट हो चुकी है. तो आइए अब हम लोग इसका इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं. तो फ्रेंड्स, अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपका ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है 10 अगस्त 2023 से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 31 अगस्त 2023 रखा गया है. फॉर्म की फी देख लेते हैं फ्रेंड्स. जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 1000 रुपीज लिया जा रहा है, एससी कैंडिडेट से 500 रुपीज लिया जा रहा है और अदर कैटेगरी अपना नोटिफिकेशन आप लोग अच्छे से देख लेना, फिर फॉर्म अप्लाई करना. एज लिमिट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो आपका जो एज है वो कैलकुलेट किया जाएगा 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग. मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 37 ईयर्स आपका यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है. रिलैक्सेशन भी मिलता है एज पर समग्र शिक्षा प्राइमरी टीचर 2023 जो उसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है रिलैक्सेशन, वही रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा. अब बारी आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि एज वगैरह तो हर किसी का होता है बट टीचिंग का पोस्ट है तो इसमें थोड़ा सा आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हायर लेवल का मांगता है. तो आइए हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स. एक तो आपका है कि ग्रेजुएशन प्लस डीलेड आपने कर रखा है और आप अगर सीटेट प्राइमरी लेवल एग्जाम पास्ट हो तो आप इलिजिबल हो, अगर नहीं तो एक और ऑप्शन है इसको फॉर्म अप्लाई करने का. ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% अगर आपका है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इलिजिबल हो, अगर आपने सीटेट प्राइमरी लेवल एग्जाम पास कर रखा है. सो मेरे हिसाब से ये क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ऑलरेडी ना टीचिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे, तो उनके पास तो ये मिनिमम इलिजिबिलिटी होना ही चाहिए. आइए देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया. योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर टू स्टेजेस फ्रेंड्स. प्राइमरी तो आपका रहेगा कि ऑनलाइन CBT एग्जाम होगा, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, देन आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है. सो आइए फ्रेंड्स हम लोग एग्जाम की पैटर्न देख लेते हैं. आपका जो यहाँ पर एग्जाम होता है फ्रेंड्स 150 क्वेश्चन का होता है, 150 मार्क्स के लिए. निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखा गया है 0.25 का, तो सावधानी पूर्वक एग्जाम को कंडक्ट करना है आपको, अच्छे से पेपर को टैकल करना है. टाइम मिलता है आपको 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का. आइए हम देख लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितना कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा. ये आपको नोटिफिकेशन में क्लैरिफाई कर दिया गया. जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, पंजाबी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए.
इसके अलावा फ्रेंड्स अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, जनरल साइंस के आपको 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, साथ ही साथ आपको सोशल साइंस के आपको 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, ओवरऑल आपका ये 11 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स एग्जाम का जो लेवल रहने वाला है ना, ये आपका 10th लेवल का है, मतलब कि थोड़ा सा इजी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और मिनिमम पासिंग का जो मार्क्स होता है ना, वो भी यहाँ पे दे दिया है कि सारे कैंडिडेट्स को मिनिमम 40% लाना है, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले। अदरवाइज सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें जो हाईएस्ट नंबर होता है उसके थ्रू हायर कट ऑफ बनता है। तो आपका मेरिट लिस्ट है ना फ्रेंड्स, वो आपको ना रिटन एग्जाम के बेसिस पे ही मतलब बनता है कि आपने पेपर में कितना मार्क्स लाया है, उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो उसमें आपका अगर आप कट ऑफ पार करोगे तो आपका लिस्ट में नाम आएगा, फिर आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ में आपका ये वैकेंसी आया। तो ऑब्वियस ही बात है कि चंडीगढ़ में ही आप पोस्टेड रहोगे, टीचर की पोस्ट है, बहुत अच्छा रहने वाला है। तो चलो मैं सैलरी भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो सैलरी देखने को मिल जाएगा 9300 टू 34800 का सैलरी है। मतलब कि इनिशियली जब आप ज्वाइन करते हो तो 9300 रहता है, और आप जब रिटायर होते हो उस टाइम 34800 रहता है। तो फ्रेंड्स ये जो दिया है ना नोटिफिकेशन में, ये सिर्फ कहने की बात होती है। सैलरी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। आप चाहो तो अगर आप वहाँ हो चंडीगढ़ में, प्रिपरेशन आप किए हो वहाँ से, तो अगर आपकी नज़र में कोई होंगे आपके फ्रेंड्स या फिर कोई जान पहचान वाले, तो आप उनसे भी पूछ सकते हो कि क्या सैलरी वगैरह मिलता है। अदरवाइज इसका जो है नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स कि मैंने आपको जो डिटेल बताए हैं चंडीगढ़ JBT प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में आओ, अपनी क्वेरीज को पूछो, मैं वहां पे आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अगर ज्यादा आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो इसका नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, आप जाके वहां अच्छे से देख लेना, नोटिफिकेशन को थोरो आउट रीड कर लेना। और अगर बहुत ज्यादा मुझसे कनेक्टेड होना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाइए वहां से मुझे फॉलो कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो भर भर के वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा उनके लिए भी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी जबरदस्त जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।